सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद में मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूँ 5 बेस्ट ऑफलाइन RPG गेम्स फॉर एंड्रॉयड। तो ये सभी गेम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। एंड हाँ, आज की वीडियो में हम टारगेट ये नहीं रखेंगे लाइक या कमेंट का। आज की वीडियो का जो भी टारगेट है वो आपको जो है बीच में वीडियो के कभी भी पता चल जाएगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप करें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को नॉर्डिक कैंडिया गेम के साथ में। एंड इस गेम का साइज़ है 184 MB। अब इसका साइज़ अभी प्ले स्टोर पर 82 MB है, बट अब जब इस गेम को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो 82 MB का एडिशनल डाटा चार्जेस भी मांगेगा, तो हमारा गेम का साइज़ 184 MB हो जाता है। बाकी जो है आप उसके बाद में इसको ऑफलाइन में भी प्ले कर सकते हैं। अब इस गेम के अंदर में जो है आपको पर्सनालिटी चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, लाइक ह्यूमन बनना है आपको, कि अलग अलग तरीके के इन्होंने नाम रखे पर्सनालिटी के। अब जैसे ह्यूमन है तो उसकी जो है स्टेमिना, इंटेलिजेंस, ये सब जो है बैलेंस रहेगा, या फिर किसी और कैरेक्टर को हम यूज़ करेंगे तो उसकी स्टेमिना ज़्यादा होगा तो किसी का इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको जो है पर्सनालिटी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। साथ में जो है इसमें आपको अटैक ही करना है, एंड मतलब एक तरीके से रोल ही प्ले करना है। इसी की वजह से तो RPG गेम है। बाकी जो है मुझे इसका गेम प्ले इतना अच्छा लगा नहीं, दैट्स व्हाई मैंने इसको इतनी नीचे रखा लिस्ट में। तो यहां पर हमारा अगला गेम है डैश हीरो, एंड इस गेम का साइज है 103 MB। अब ये जो गेम है इसमें बेसिकली आपको लेवल वाइज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक लेवल क्लियर करना है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर उसको क्लियर करना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो इसी तरीके से ये गेम जो है कंटिन्यू होते ही जाएगा। एंड इसमें रैंकिंग का ऑप्शन भी है, तो अगर आप ऑनलाइन खेले तो अपने फ्रेंड्स इन सब के साथ में रैंकिंग में कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आपको मतलब चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, एंड जो है अलग अलग तरीके के इसमें ओपोनेंट्स आएंगे तो आपको उनको ही डिफीट करना है। तो गेम की जो ग्राफिक्स है वो मुझे अच्छी लगी, बस इसका जो गेम प्ले ना इतना ज़्यादा एडिक्टिव नहीं लगा, दैट्स व्हाई मैंने इसको भी इतनी नीचे रखा है। पर फिर भी अगर आपको इस टाइप के गेम पसंद है या फिर पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको गेम खेलना पसंद है, देन आप इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो यहाँ हमारा थर्ड प्लेस पर गेम है पाथ ऑफ एविल, एंड इस गेम का साइज़ है 440 MB। अब ये जो गेम है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, जैसे कि आप इस गेम को देख ही सकते हैं। इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना वो भी थोड़ा सा डार्किश टाइप का रखा गया है, बट इसके अंदर में इसलिए बहुत ज़्यादा एक्शन है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरीके की स्किल्स देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की पावर्स देखने को मिलेगी, जिनको आप जो है अपने कैरेक्टर के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो ओपोनेंट्स आएंगे वो भी अलग अलग तरीके के ओपोनेंट्स आने वाले हैं, जिसमें कभी कभी मतलब स्केलेटन टाइप का आता है कोई, तो कभी डेविल टाइप का आता है, इस तरीके से। एंड इस गेम के जो स्किल्स हैं ना वो भी बहुत ही मतलब फैंटेसी टाइप के रखते हैं, यानी बहुत मैजिकल टाइप के स्किल्स है। तो इसकी वजह से जो है इस गेम को मतलब यही चीज़ थोड़ी सी अलग बनाती है। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन है, ये मैंने आपको शुरू में भी बोल दिया है। एंड हाँ, सभी गेम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट गेम है द रिटर्न, एंड इस गेम का साइज है 237 MB। अब अभी तक में हमने जितने भी गेम देखे उन सब में सबसे ज़्यादा डिफरेंट गेम प्ले हमको इसी गेम का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में आपको जो है थर्ड पर्सन कैमरा एंगल देखने को मिलने वाला है। एंड इसी टाइप के गेम्स अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। साथ में जो है आपको ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चाहें तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में जो है आपको इसके अंदर में रोल प्ले करना है एक प्रिंस का, जिसकी स्टोरी को आपको कंटिन्यू करके कंप्लीट करना है। एंड आपका जो कैरेक्टर है उसके पास में अलग अलग तरीके की स्किल्स भी होगी, तो इससे गेम में और भी मज़ा आने वाला है। एंड हाँ, आपने यहाँ तक में वीडियो देख ली है तो आज की वीडियो का हमको टारगेट रखना है कि आपको आपकी जो बर्थ डेट है उसको जो है कमेंट करना है, बाकी उसको नंबर के फॉर्म में करना है कि सबका पैटर्न समझ में ना आ जाए किसी को। तो अब देखते हैं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को बिना स्किप करे देखा है। तो फाइनली इस लिस्ट का हमारा फर्स्ट प्लेस पर गेम है एटम RPG, एंड इस गेम का साइज़ है 2.7 GB। हाँ, गेम का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बट उस हिसाब से आपको इस गेम के अंदर में उससे भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इस गेम के अंदर में आपको 120 अलग अलग तरीके की लोकेशंस देखने को मिल जाएगी। इतनी लोकेशंस तो आपको डिस्कवर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसी के साथ में आपको जो है 150 अलग अलग तरीके की वीपन्स इस गेम के अंदर में देखने को मिल जाएगी, एंड 40 अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें एनिमल्स ये सब है, एंड 600 अलग अलग तरीके के NPCs देखने को मिल जाएंगे। NPC यानी कि गेम के AI, जैसे अगर आपने GTA गेम्स ये सब खेले तो उनके अंदर में जो भी कैरेक्टर्स ये सब मूव करते रहते हैं रोड इन सब पे, तो उनको ही NPC बोलते हैं।
एंड इस गेम का जो गेम आवर है वो भी 60 आवर्स का, यानी कि इस गेम की स्टोरी भी बहुत बड़ी है एंड गेम के नाम के हिसाब से गेम की स्टोरी भी है। यहाँ पर जो है गेम की स्टोरी है कि न्यूक्लियर वेपन से वॉर हुआ है अर्थ के ऊपर में, तो उससे जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर की पूरी 12 बज गई है। बाकी जो है बहुत ही अच्छा गेम है, गेम की ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी है, पर साथ में जो है इस गेम के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, पर गेम जो है थोड़ा अंडररेटेड है, पर आपको इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड हाँ, एक और चीज़, इस गेम को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि गेम की जो है आधी से ज़्यादा स्टोरी लाइन जो है इंग्लिश के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है। एंड हाँ, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।